Hey guys, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम कोई भी डेट बना सकते हैं यूज करंट डेट और कोई भी जो भी हम स्पेसिफिक डेट हम चाहते हैं उसे बनाना। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में डेट का ऑब्जेक्ट क्या करता है। सो ठीक है, सो बेसिक डेफिनेशन है, डेट का ऑब्जेक्ट जो है यूज किया जाता है हम कोई भी ईयर मंथ डेट या फिर स्पेसिफिक कोई भी डेट गेट करने के लिए यूज करते हैं। सो इसमें कुछ स्पेसिफिक मेथड्स भी दिए हुए हैं। तो बेसिक ये तो कुछ नॉर्मल मेथड्स है, बट बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं गेट डेट के जो हम यूज कर सके हैं मैनिपुलेशन के। सो ये बेसिक मेथड्स है, सो इनको देखेंगे हम किस तरह से इनको यूज करेंगे। सो हम चलते हैं हमारे सिंपल जावास्क्रिप्ट फोल्डर में एंड यहाँ पे हम सी डायरेक्टली से वीएस कोड में ओपन करते हैं। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट में अब यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। लाइक मैंने इसका नाम दे दिया डेट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, सो ये बेसिक बॉडी आ गई हमारी एच टी एम एल की। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट टैग बना लेते हैं सिंपल। ठीक है, इसके अंदर अब हम हमारा जो नॉर्मल करते हैं डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल को। ठीक है, लाइक मैंने इसका नाम दे दिया डेट। ठीक है, एंड न्यू कीवर्ड से हम जो है ऑब्जेक्ट की वैल्यू एलोकेट करते हैं। सो क्या करेंगे, हम एक डेट क्लास को हम यूज करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। अब जब मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया डेट का, सो ये क्या करेगा, करंट जो डेट टाइम हो रहा होगा मेरे डेट वेरिएबल में डाल देगा। ठीक है, अब इसको सिंपल हम यहाँ पे देख लेंगे। सो इसे देखने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन लिख देंगे एंड सिंपल लिखेंगे डेट। ठीक है, तो अब इसे चलाते हैं हमारे लाइव सर्वर पे डायरेक्टली। देखो यहाँ पे आने लगे अभी की करंट डेट, ये 20:49। ठीक है, 8:49 हो रहे हैं। ठीक है, सो 8:49 हो रहा है अभी। इसे रिफ्रेश करेंगे, देखो यहाँ पे जो सेकंड्स है वो चेंज होते रहेंगे मेरे जितनी बार भी मैं इसे रिफ्रेश करूँ। ठीक है, डायरेक्टली अगर डालूंगा तो करंट डेट टाइम आ गया। ठीक है, सो सिंपल हम इसमें अलग अलग तरह से मेथड्स यूज कर सकते हैं। लाइक मैंने देखो डेट प्लस वन कर दिया। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, सो अब अगर मैं इसके वेरिएबल्स को चेंज करना चाहूँ, सो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसको देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैं डॉट लगाता हूँ। देखो इसके जितने मेथड्स हैं मेरे पास वो सारे के सारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो गेट डेट किया मैंने, यहाँ पे मेथड लिया गेट डेट, क्या करेगा मेरी जो करंट डेट है उसे ले आएगा। अगर मैं अब देखूँ यहाँ पे जाके तो 24 आ रहा है क्योंकि मैंने डेट निकाली है। ठीक है, अब मैं इसमें करता हूँ प्लस वन। सो प्लस वन क्या करेगा, आज की जो डेट होगी उसमें वन इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, 25 कर दिया। इस तरह से भी हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेट निकालने के लिए, मान लो ये डेट निकालने के लिए हो गया। ठीक है, सो दूसरा मेथड भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे दोबारा से नेक्स्ट लाइन में डॉट करते हैं। देखो गेट डेट आ गया, गेट डे निकालना है। ठीक है, कौन सा दिन है, थर्ड है। ठीक है, थर्ड डे है, क्या है, वीक का थर्ड डे है ये, क्योंकि आज वेनसडे है। ठीक है, सो इस तरह से भी काम कर सकता है। और दूसरे मेथड्स हम देखें यहाँ पे, सो फिर से मैं डॉट लिखता हूँ। देखो बहुत सारे आ गए। गेट फुल ईयर अगर मैं यहाँ पे करूँ तो क्या करेगा ये, देखो 24 मेरा इसका फुल ईयर आ गया यहाँ पे। ठीक है, सिंपल इसी तरह से नॉर्मल मेथड्स को यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे पूरी डेट बनाने के लिए। अब क्या करूँगा, देखो पूरी डेट बनानी है हमें। सो डेट हो गया, प्लस किया मैंने, सिंपल इसमें क्या कर सकता हूँ, डेट डॉट, देखो अब क्या था ये गेट डेट करेगा आज के दिन। अब मेरे को मंथ चाहिए, सो यहाँ पे देख फंक्शन है गेट मंथ। ठीक है, सो मंथ कर दूंगा मैं। अगर मैं यहाँ देखूँ तो देखो 27 आ रहा है इस टाइम, क्योंकि अभी ये ऐड हो गया। मैं क्या करूंगा इसके अंदर इसे कॉन्केट करवा दूंगा इसके साथ। ठीक है, देखो अब क्या हो गया, 24 तारीख थी, तीसरा महीना था ना, सॉरी गेट डेट हो, गेट मंथ हो गया ये। ठीक है, सेम इसमें मैं प्लस कर देता हूँ यहाँ पे डेट प्लस डॉट ईयर फुल ईयर डेट। ठीक है, इस तरह से आ गया, देखो पूरी मैंने इसको डेट बना दिया। हम इस तरह से पूरी डेट को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे हम कोई भी डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। ज्यादा वीडियोज के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।